मैंने फैसला कर लिया है बीच, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। शुभ्रा शुभ्रा पुत्र, तुमने ही कहा था ना कि कुलदीप को जब पता चलेगा कि समायरा झूठी है, धोखेबाज है, तो उसके नजरों से गिर जाएगी। तो बेटे उसी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए तो अनंत पहुंचा है ना मुंबई। एक कोशिश और कर ले पुत्र जी, एक कोशिश, भरोसा कर ले अपने अपने बीजी के विश्वास पे। ठीक है बीजी, जैसा आप कहें। जीते रहे पुत्र। और सुन, ध्यान रखना, और अनंत का ध्यान रखना बेटा, बड़ा बीबा मुंडा है। और हाँ, उसकी बेटी भी देखा, उसने कभी अपनी माँ का प्यार ही नहीं देखा। अजीब बात कह रही हूँ, पर उसको उसकी माँ से बचा लेना पुत्र। कितनी अजीब बात है ना बीजी, एक बच्चे को हम उसकी अपनी माँ से बचाने की बात कर रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए बीजी, मैं दोनों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। अच्छा सुन, वो अनंत को फोन देना। जी माता जी, जी जरूर। याद रखना, खून के आंसू रुलाना है तूने समायरा को, तेरे थप्पड़ की गूंज मुझे यहां पूरा तक सुनाई देनी चाहिए। माता जी लेकिन वो कैसे, मतलब मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। शरीफ आदमी औरतों पर हाथ नहीं उठाते ना, तो मैं तूने इसको बनाया और इसका बैलेंस बनाने के लिए समायरा को बनाया था। आज सुन, तुझे जो सिखा पढ़ा के भेजा है तुमने वही करना है, ठीक है जी। तुझे तेरी बेटी और मेरी बहू के साथ हुई ना इंसाफी का बदला लेना है उस चड़ायल से, समझे? हाँ। जोर से। हाँ। ओवर एंड आउट। ध्यान रख लेना। सब कुछ तो नॉर्मल है, पता नहीं इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा। इसका पता लगाने के लिए किसी दूसरे डॉक्टर की जरूरत है। Excuse me? I mean the friendly doctor यार। क्या बकवास कर रहा है ये idiot? Relax यार। मीरा की तो रग रग से मैं वाकिफ हूँ। तुम जाओ, डॉक्टर को छोड़ाओ, मैं इसे संभालता हूँ। No, I'm sorry. सैम को इस हालत में मैं अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। डॉक्टर, I'm sorry if you don't mind. It's okay. डॉक्टर साहब एक मिनट। यार तुम्हें तो मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। चलो बताओ, तुम मीरा को कब से जानते हो? अभी कुछ महीनों से। फिर तो ये केस मुझे ही हैंडल करना होगा। तुम्हारा सीनियर हूं यार, कुछ तो रिस्पेक्ट करो। तुम जाओ, तुम्हारे आने तक ये पूरी तरह से होश में आ जाएगी। ट्रस्ट मी यार, तुम्हारे यहां खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम जाओ, डॉक्टर साहब को छोड़ाओ। मुझ पर विश्वास नहीं है तो सैम की मेड संभाल लेगी। फिर की ये यहीं रहेगी, ठीक है? आइए। ये आजकल के डॉक्टर होते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं आता, बस बीपी ले लिया तो हो गया। अगर वाकई में किसी को होश में लाना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है। Don't you dare!
क्यों आए हो तुम? तुम्हारी याद खींच लाई। ओह शट अप। तुमने प्रॉमिस किया था कि बच्चे को जन्म देने के बाद मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं और तुम उसके बदले में जिंदगी भर मुझे शक्ल नहीं दिखाओगे। लिसन, तुमसे और तुम्हारी बेटी से ना तो मेरा कभी कोई रिश्ता था और ना ही कभी होगा। मैं कुलदीप से प्यार करती हूँ। प्यार? इस अल्फाज का मतलब भी समझती हो? हाँ, खुदगर्जी को प्यार नहीं कहते मीरा। अपनी बेटी को देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला और तुम प्यार की बातें करती हो? क्यों एक शादीशुदा आदमी का घर उजाड़ रही है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कुलदीप मेरे साथ बहुत खुश है। मैंने उसे वो सब दिया है जो 12 साल में उसकी बीवी शुभ्रा उसे नहीं दे सके। वो खुद आया था मेरे पास अपने बीवी बच्चों को छोड़कर। आज से तुम ऋषि रोली की दोस्त हो। ऋषि रोली मुझे मम्मा कहते हैं। तो मैं इनकी माँ हुई, इस नाते मैं तुम्हारी भी माँ जैसी हूँ। डोंट वरी मम्मा, विदिका तो पहले से टीम सीता में आ गई है। रो क्यों रहे हो? कई बार हंसते हंसते भी आंसू आ जाते। आज मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। खुश नहीं, अंधा हो गया है वो। और जिस दिन उसे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलेगा ना कि करियर और पैसों के खातिर तुमने अपनी बच्ची तक की परवाह नहीं की, एक सेकंड में उसका पूरा प्यार हवा हो जाएगा। ऐसी गलती मत करना मीरा। मैं वो पहले वाला अनंत नहीं हूं। तुम्हें सबके सामने बेनकाब करने की हिम्मत है मुझ में। सोचो कुलदीप का क्या रिएक्शन होगा। सब सच जानने के बाद भी क्या तुम्हारा रिश्ता बना रहेगा? क्या इतना भरोसा है तुम्हें अपने प्यार पर और कुलदीप पर? क्या बोल रहा है? क्योंकि वेदिका और उसके पापा टीम सीता में जुड़ गए, तो अब टीम सीता ज्यादा बड़ी हो गई है और स्ट्रांग भी हो गई है। टीम जितनी ज्यादा बड़ी होती है जीतने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे रामायण में हुआ था, राम जी के साथ लोग जुड़ने लगे, उनका सहारा बनने लगे और अब हमारी भी जीत पक्की है। इसकी बात मत सुनो, ये तो बकवास करता ही रहता है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ किस सच की बात कर रहा है ये। मैं तो यही बोल रहा था कि बहुत ज्यादा एंजाइटी होने पर, फिक्र होने पर ये बेहोश हो जाती है और काम को लेकर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है। और क्या कुलदीप को तुम्हारे इस कंडीशन के बारे में पता है या नहीं? नहीं तो तुम्हारे ट्रीटमेंट का और मेडिसिन का वो ख्याल कैसे रखेगा? क्यों मीरा,
तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगे। आई गेस अब मुझे रेगुलरली मेडिसिन लेनी चाहिए। तुम मेरा प्रिस्क्रिप्शन ला दोगे? नीचे फाइल में ही रखा है। तब तक मैं आनंद से बात कर लूं। वी आर ओल्ड फ्रेंड्स आफ्टर ऑल। मैं हैरान हूं सर, सच में तुम्हारे साथ रहने के बावजूद तुम्हें इतनी अच्छी तरह नहीं जान पाया जितना ये जानता है तुम्हारे बारे में। नहीं, तुम टाइम स्पेंड कर लो अनंत के साथ, हो सकता है शायद उसके बाद मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान पाऊं। राइट, कैरी ऑन। विदिका, देख मैंने क्या बनाया। पापा देखो मैंने क्या बनाया। पापा देखो ना प्लीज। अरे चिल्ला क्यों रही हो तुम? पता है ना सैमंडी की तबीयत ठीक नहीं है। चल देखो मस्ती, चुपचाप खाना खाओ। चलो बच्चों, पे क्यों नाराज हो रहे हो? तो क्या करूं, हरकतें ऐसी कर रहे हैं, दिन ब दिन इनकी शैतानियां बढ़ती जा रही है। कंट्रोल करो वरना हाथ से निकल जाएंगे। बच्चे हैं कुलदीप, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तुम ही कहते थे ना। और कोई बुरी आदत और लत तो है नहीं उनमें, तो क्या प्रॉब्लम है? और बच्चों से हर वक्त डिसिप्लिन की उम्मीद रखना गलत है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि बस ऐसे ही धमाल चलता रहेगा? अरे घर की सिचुएशन, माहौल भी तो कोई चीज होती है ना। माहौल को क्या हो गया? इतना अच्छा माहौल है। हाँ, तुम थोड़े अपसेट लग रहे हो, किसी से चिढ़ रहे हो शायद। अगर तुम नाराज हो तो बच्चों पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पापा कौन सा भूत चढ़ा ये तो नहीं पता, लेकिन हमारे पापा को हमेशा गुस्से का भूत चढ़ा रहता है। तुम तीनों में से किसी ने दाल तो ली नहीं है। दाल हेल्थ के लिए अच्छी होती है, इसीलिए सबके सब दाल फिनिश करेंगे। चलो, वेरी गुड। दाल इधर लाओ, इधर लाओ। नहीं, वीकनेस तो फील नहीं हो रही है ना? संभालो अपने आप को। मेरा आ जाओ आराम से। ज़ोहरा, अरे हटो, बीच में मत आओ, बैठ जाओ आराम से। अनंत ने मुंबई जाकर अपना काम शुरू कर दिया है। मेरे मन को इतनी शांति मिली है ना कि मैं क्या बताऊं। अरे देखते जाओ कैसे हमारा हीरो उस चुड़ैल समायरे की अकल ठिकाने लगाता है। कितनी भी बुरी औरत हो ना बहन जी, अपने बच्चे को देख के उसका मन ना पसीजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुलदीप को देखना, उसको छोड़ के ऐसे 9, 2, 11, 12, 13 फिर ऐसे हुआ ना तो मैं बापा को 1001 नारियल का प्रसाद चढ़ाऊंगी।
कभी खाया ही नहीं है। तो खाना सीखना पड़ेगा ना, बच्चों के साथ अगर ट्यूनिंग बनानी है ना तो ये खाना सीखना पड़ता है। नानी दादी होने की पहली स्टेप है ये। ये खाओ, इसको घुमाओ एंड शाबाश 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 शाबाश। और तेरी अरे हाय जियो, ये हुई ना बात, हो गया अच्छा लगा, अच्छा है ना, बस ऐसे ही सब अच्छा हो जाएगा। हाँ ध्यान रखना रब्बा। ये देखो हरी मिर्च, तुम्हारी फेवरेट, लो ना। तो अनंत, यहाँ कब तक टिके रहने का प्लान है तुम्हारा? ये तो मीरा पर डिपेंड करता है। क्यों मीरा? वो अनंत को कुछ काम है यहाँ, तो 5-6 दिन और रात भी। आज रात तो मैं मीरा के रूम में रुकने वाला हूँ। अरे यार बहुत कुछ है कहने सुनने को, इतने सालों बाद अपनी गुड फ्रेंड से मिला हूँ। क्यों मीरा? अच्छी नहीं लगी क्या? क्यों मुझे आनंद की बात का बुरा क्यों लगेगा? इतना नैरो माइंडेड थोड़ी ना होता। मैं आनंद की बात की नहीं, दाल की बात कर रही थी। वेदिका बेटा, तुम्हारी मीरा आंटी है ना, वो सुपर कूल है। आज रात तुम उनके साथ ही रुको, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। मुझे रावण टीम में ले जा रहे हैं। जाए ना, तो टीम सीता के लिए जासूस बनकर काम करना, ठीक है? गुड आइडिया। अनंत तुम्हें सैम के साथ टाइम बिताना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हारे रहने का इंतजाम तो हॉल में ही होगा। कम ऑन यार कुलदीप, फिर से वही पजेसिवनेस और इनसिक्योरिटी। यार पुराने दोस्त हैं हम, रात को गपशप ही करेंगे। लगता है तुमने कभी अपने जिगरी दोस्तों के साथ नाइट आउट नहीं किया है। हम तो नाइट इन करने वाले हैं। क्यों मीरा? इसी बहाने कुलदीप को भी मौका मिल जाएगा ऋषि और रोली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। ऋषि रोली बहुत खुश हो जाएंगे और हम फिर से पहले की तरह एक साथ रहेंगे। है ना कुलदीप? या श्योर, मुझे भी अपने बच्चों के साथ बहुत सारे गप्पे मारने हैं। जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। आई लव यू पापा। लव यू। नजर रखना आनंद पर, वो जरूर यहां कोई गड़बड़ करने आया है। शुभ्रा की चाल नहीं हो सकती, उसे अनंत के बारे में क्या पता, पर हमें ये पता करना है कि वो यहां आया क्यों है। ओके क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो बस देखने आई थी कि तुम ठीक तो हो ना। I'm fine.
वो तो मैं जानती हूँ, क्योंकि जितना बेवकूफ तुम सबको समझती हो ना समायरा, सब उतने बेवकूफ होते नहीं। कुलदीप तुम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। फिर की तो तुम्हारी चमची है, दिमाग से खा ली। उन दोनों ने ही सिर्फ तुम्हारी इस बेहोशी के नाटक को सच समझा था। बाकी मैं तो तुमसे ये पूछने आई थी कि तुम मेंटली ठीक तो हो ना? What do you mean? दूध ले लो। Come on, Samira। हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं है, तो फिर इतना ड्रामा क्यों? तुम्हारा बीता हुआ कल, यानी कि तुम्हारा एक्स और तुम्हारी बेटी वेदिका अचानक यूं तुम्हारे सामने आ गए, तो शौक तो लगा होगा ना?